तो भाई जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगले 2 दिनों के बाद हमारा सीएस रैंक के अंदर एक नया सीजन आने वाला है एंड लिटरली इस वाले सीजन भी आप लोगों के बहुत सारे प्लान होंगे ग्रैंड मास्टर जाने के लिए एंड उस प्लान को अगर आप लोग सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो इस वाले वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान लो कि सीएस रैंक का फर्स्ट राउंड को विन कैसे करना है। तो लिटरली अभी के टाइम पे 2v3 का सिचुएशन है एंड मेरे पास ये डबल शॉटगन है, तो इस वाले शॉटगन से मैं एक एनिमी को डाउन करके उसका किल फिनिश कर लेता हूं। बट यार अगर आप लोग मेरे से पूछो तो फर्स्ट राउंड को विन करने के लिए आप लोगों को ये वाला शॉटगन जरूर लेना चाहिए। अब एक और डिसएडवांटेज इस शॉटगन का ये है कि ये सिर्फ शॉर्ट रेंज में ही चलता है, लॉन्ग रेंज में आपको ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं देने वाला है। लेकिन यार 2-3 राउंड के बाद आपको लॉन्ग रेंज के लिए एक ऐसा भी गन आता है जो कि 150 का डैमेज देता है एंड सीरियसली आप लोग उसको AWM नाम से बुलाते हो। बट आप में से बहुत सारे बंदे को वो गन चलाना नहीं आता है, तो इस वाले वीडियो को जरूर देखना क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर आपको बेसिक टू प्रो नॉलेज आपको मिलने वाला है AWM के बारे में। बाकी अभी आप लोग स्क्रीन पे एक और मैच देख रहे हो जिसके अंदर मैं डबल शॉटगन चला रहा हूं एंड लिटरली इससे मैंने एक एनमी को डाउन करके फिनिश कर दिया है एंड सीरियसली एक और एनमी यहां पे डाउन पड़ा हुआ है। एंड अगर आप लोगों को ये वाला शॉटगन चलाने नहीं आता है तो आप लोगों को एक सीक्रेट टिप्स बता देता हूं कि ट्रेनिंग ग्राउंड चालू करके आप लोगों को ये वाला शॉटगन उठा लेना है एंड लिटरली तुम लोगों को ड्रैग हेडशॉट मारना है, ना कि वन टैप मारना है, तुम लोगों को ड्रैग हेडशॉट में ट्राई करना है। बाकी यार ना अब बात कर रहे थे अपने नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में जो कि अभी के टाइम पे हर बंदा करता है, मतलब कि वो रैंडम टीममेट्स के साथ खेलता तो है बट सीरियसली जब आप एक एनमी को डाउन करते हो या फिर एक दो एनमी को डाउन कर लेते हो और थर्ड वाला एनमी आपको मार देता है एंड सेम सिचुएशन मेरे साथ यही होता है कि मैं यहाँ पर एक एनमी को फटाफट से डाउन करता हूँ एंड उसका टीममेट आकर उसको रिवाइव कर लेता है एंड ये चीज तुम लोग के साथ बहुत बार हुआ होगा। अब उसका मतलब कि एनमी का टीममेट एनमी को रिवाइव कर ले रहा है लेकिन आपका जो रैंडम टीममेट्स है वो आपको रिवाइव ही नहीं कर रहा है एंड इसके चलते भी आप लोग बार बार मैच को हार जाते हो। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में अपना UID, अपना इंस्टा ID और अपने UID का जो भी आपका स्टार है वो चीज कमेंट कर देना एंड कोशिश करना कि आप लोग जितने भी बंदे हो वो सारे के सारे लोग इस चीज को कमेंट करना, मतलब कि आपको सिंपली अपना इंस्टा UID कमेंट करना है, मतलब कि इंस्टा का ID कमेंट करना है, साथ ही साथ गेम का UID कमेंट करना है एंड आपके गेम में CS रैंक के अंदर कितना स्टार है वो कमेंट कर देना है एंड इन 3 चीज को कमेंट करके आपको वहां पे लिख देना है। एंड अगर जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हो सारे के सारे बंदे ऐसा कमेंट करोगे तो आप लोग एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन करके एक काफी बढ़िया स्क्वाड को बिल्ड कर सकते हो। बाकी इस टाइम पे अगर तुम लोग ध्यान दो तो यहाँ पर मैंने एक एनमी को डाउन करके फिनिश कर लिया एंड दोबारा से एक और एनमी को डाउन किया एंड एक बार और रश करके मैं लास्ट के एक और एनमी को यहाँ पे डाउन कर लेता हूँ। बट यहाँ पर दोबारा से जो मेरा लास्ट का रैंडम टीममेट था वो मेरे को रिवाइव करने नहीं आता एंड सामने वाले एनमी के साथ जाकर मर जाता है। एंड इस टाइम पे आप लोगों को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता होगा बट इसका एक और सॉल्यूशन ये है कि आप लोगों को AWM चलाना भी थोड़ा बहुत आना ही चाहिए एंड सीरियसली अगर AWM में तुम लोग बिल्कुल ही नूब हो तो तुम लोग इस वाले वीडियो को जाकर देख सकते हो एंड इस वाले वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो इस टाइम पे आप लोग जाकर इस वाले वीडियो को देख लेना, इस वाले वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे AWM के रिगार्डिंग। बाकी यार अभी बात कर लेते हैं कि आप लोग नेड कैसे कर सकते हो, मतलब कि बहुत सारे एनमी जो है ना वो नेड करके आपको मार देते हैं लेकिन आप लोग उनके ऊपर नेड नहीं कर पाते। तो इस टाइम पे ना सिंपली आपको सबसे पहले नेड ले लेना है एंड नेड के साथ साथ आप लोग नेड वाला कैरेक्टर अल्वोरो भी ले लेना एंड जहाँ पे एनमी है वहीं पे नेड फेंक देना जिससे कि सामने वाला एनमी बहुत ही आराम से डाउन हो जाएगा एंड उस टाइम पे आप लोग फटाफट से उस वाले लोकेशन पे रश कर देना क्योंकि जब भी एनमी डाउन होते हैं तो उनके टीममेट्स उनको रिवाइव करने आते हैं एंड सेम मैं यही वाला ट्रिक अपनाकर सामने के 2 एनमी को निपटा देता हूं। एंड सीरियसली मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूं कि अगर आप अपने पेट सेक्शन में कोई दूसरा पेट रखते हो तो उसके जगह पे आप लोग बिस्टन पेट को रख लेना क्योंकि वो आपके नेड और ग्लूअल को थ्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। बाकी यार यहां पर आप लोगों को नेड चलाने के भी प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स मिल चुकी है तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। यार इस वाले ट्रिक के अंदर ये है ना कि आप लोग कभी भी शॉर्ट रेंज का गन ही सिर्फ मत यूज किया करो, उस टाइम पे अगर आपके पास लॉन्ग रेंज का भी गन रहेगा तो शायद एनमी लॉन्ग रेंज में हो तो आप लोग लॉन्ग रेंज के अंदर भी मार सकते हो। बाकी इस टाइम पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रेंज का गन है यानी कि UMP। अभी ये UMP जो है ना ये थोड़ा बहुत लॉन्ग रेंज के अंदर काम कर जाता है जब आप स्कोपिंग करके मारो तो। एंड यहाँ पर मेरा मार्स इलेक्ट्रिक वाला राउंड था, मैं बड़े ही आराम से जा रहा था बट एकदम से मेरे सामने एनमी आ जाता है, मैं फटाफट से उसको स्कोपिंग करके डाउन कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर इसके लूट क्रेट में से मेरे को M4A1 मिल जाता है जिससे कि बहुत ज्यादा दूरी पे एक बंदा सर्वाइव कर रहा था, मैं फटाफट से उसको हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। एंड इस टाइम पे अगर मेरे पास लॉन्ग रेंज का गन नहीं होता तो शायद से हम इस वाले राउंड को हार भी सकते थे। देन अब बढ़ लेते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक के बारे में, मतलब कि आपको बंदे के साथ सर्वाइव कैसे करना है। अगर सामने वाले एनमी आपके होल्ड कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको उनके ऊपर रश कैसे करना है। तो सीरियसली ये वाला ट्रिक आपका तभी काम करेगा जब आप माइक ऑन करके अपने टीममेट के साथ थोड़ा सा कंसल्ट कर लो, मतलब कि अपने टीममेट को ये बता दो कि आप लोग सीधे सीधे एनमी के ऊपर रश मत करना। अब जैसा कि यहाँ पे सारे के सारे एनमी डबल डोर के अंदर है तो मैं सबसे पहले अपने लेफ्ट साइड के एनमी को एनालाइज कर लेता हूँ कि कहीं सामने
सामने के साइड में एक आध एनमी तो बचे नहीं है, क्योंकि यार सामने के साइड या फिर लेफ्ट के साइड में एक आध एनमी ऐसे होते हैं जो कि छुप के बैठे रहते हैं एंड आप लोग जैसे ही बाहर निकलोगे आप लोगों को हेडशॉट मार के डाउन कर देंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को एक बार अच्छे तरह से चेक कर लेना है कि सामने और पीछे के साइड में एनमी है या नहीं। अब जब सामने और पीछे के साइड में एनमी नहीं रहेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा कवर लेकर आगे जाना है। एंड एक और बात की यहाँ पर आपके पास एक नेड होना चाहिए, जिससे कि सबसे पहले आप डबल डोर के ऊपर एक नेड मार लो। अब नेड मारने से होता यह है कि आपके ऐसा ऊपर वाले एनमी या तो डाउन हो जाएंगे या तो वो अपने पोजीशन को चेंज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कभी भी आपको डायरेक्ट रश नहीं करना है, जैसा कि मेरे टीममेट ने किया और वो डायरेक्ट रश करके डाउन हो जाता है, बट मेरे पास डिमेट्री और थीवा था तो मैं फटाफट से उसको रिवाइव कर लेता हूँ। एंड नेड से एक एनमी को डाउन करने के बाद मैं फटाफट से उसको फिनिश करता हूँ एंड दोबारा से ऊपर जाके एक एनमी को डाउन करके अपने आप को ग्लूवल से कवर कर लेता हूँ। बाकी तुम लोगों ने अगर थोड़ा बहुत भी नोटिस किया होगा तो यहाँ पर देख सकते हो यार मैं कितने प्यार प्यार से एनमी को डाउन करता हूँ एंड उनको फिनिश करता हूँ। बाकी एक एनमी नीचे कूद गया था तो इसको भी फटाफट से हम लोग मिलके फिनिश कर देते हैं। लास्ट का सिर्फ एक ही एनमी बचा है एंड अगर हम लोग इस वाले राउंड को विन कर जाते हैं तो आप लोग फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार तुम लोगों के लिए इतना ज्यादा मेहनत करता हूँ तो ये दो काम तो तुम लोग कर ही सकते हो एंड साथ ही साथ बेल वाला आइकन भी प्रेस कर लेना। बाकी लास्ट का एनमी पीछे वाले विंडो से आई थिंक कूद चुका है तो फटाफट से नीचे चलते हैं क्योंकि वो वाला एनमी नीचे के साइड में ही आने वाला है। तो मैं जैसे ही नीचे जाता हूँ मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज देता है बट यहाँ पर मेरा एक टीममेट उसका किल चुरा लेता है भाई। तो सीरियसली ये सारे कांड आपके साथ गेम के अंदर होते रहेंगे बट यहाँ पर अगर आपके रैंडम टीममेट्स कभी कभार बढ़िया आ जाए तो आप लोग इन सभी चीजों को कर सकते हो। बाकी इस टाइम पे ना विदाउट क्लिप को कट किए मैं नेक्स्ट राउंड की भी टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ। मतलब कि पिछला वाला राउंड हमारा पॉचिंगी पे बना था, नेक्स्ट वाला राउंड हमारा फैक्ट्री के ऊपर बन जाता है एंड मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर भी ये वाला टिप्स एंड ट्रिक्स कवर किया था। एंड अगर आप लोग उस वाले वीडियो को नहीं देखो तो उस वाले वीडियो में और भी बहुत सारे मेन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो जाकर उस वाले वीडियो को भी फटाफट से देख लेना। बाकी यहाँ पर आपको फैक्ट्री वाला राउंड जैसे स्टार्ट हो जाएगा आपको फटाफट से इस वाले टावर के ऊपर चढ़ जाना है, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर के साइड में एनमी फटाफट से रश करने के लिए आ जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग उनको बड़े ही आराम से डैमेज दे सकते हो। एंड अगर आप लोग नेड लेके चलते हो तो आप लोग यहाँ से नेड कुक करके भी नीचे के साइड में फेंक सकते हो। वैसे तो मैंने नेड को कुक नहीं किया जिसके चलते मेरा नेड काफी ज्यादा दूर चला गया, बट यार मैं यहाँ पर एनमी को काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ एंड सारे के सारे मतलब कि तीन एनमी यहाँ पर मेडी कर रहे थे। अब इस टाइम पे मेरे रैंडम टीममेट्स ने है, नहीं तो मतलब अगर मेरे स्क्वाड मेट रहते तो वो आराम से उनके ऊपर रस कर सकते थे, क्योंकि यार अगर आप लोग रैंडम टीममेट्स को कितना भी बोल लो अगर वो समझदार नहीं है तो वो रस नहीं करेंगे, क्योंकि यार वो लोग अपने तरीके से खेलते हैं एंड आपको अपने तरीके से खेलना ही पड़ेगा। एंड इसीलिए मैंने आप लोगों को एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताया था कि आप लोग इंस्टा आईडी, अपने गेम का यूआईडी एंड अपने गेम का स्टार कमेंट करने के लिए, एंड हाँ तो वो चीज कर लेना आप लोग। बाकी यहाँ पर मैंने एक एनमी को डाउन किया बट सामने वाला का भी बुलेट मेरे को लग गया था जिसके चलते मैं भी डाउन हो जाता हूँ, बट यहाँ पर डिमिट्री लगता बट ये नूबड़ा रैंडम टीममेट्स मेरे को रिवाइव नहीं होने देता है। एंड भाई उस नूबड़े टीममेट्स के चलते मेरा एक और टीममेट यहाँ पर डाउन हो जाता है एंड ये बंदा जो आर्यन नाम का बंदा है भाई एक नंबर का, मतलब क्या ही बोलूं, मतलब अब मैं कुछ बोल नहीं सकता बट ये बहुत ही ज्यादा नूबड़ा बंदा है भाई, मेरे को रिवाइव नहीं होने देता है एंड लिटरली भाई ये गेम को हार भी जाएगा। एंड सीरियसली तुम लोग यहाँ स्क्रीन पे देखना अभी ये बंदा कैसे गेम को हारेगा। बाकी यार अगर तुम लोग हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हो तो थैंक यू सो मच भाई। तो यार आज के वीडियो के अंदर भी मैंने काफी सारा टिप्स एंड ट्रिक्स को कवर किया है एंड आप लोगों को अगर लिटरली थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपना यूआईडी अपना इंस्टा आईडी कमेंट कर लेना। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए राम राम जी सभी को। Yeah.